झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के तत्वाधान में राजधानी में राजभवन के समक्ष सहित सभी जिला मुख्यालय में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को धरने का आयोजन किया गया है। ओबीसी विभाग के प्रस्तावित धरना कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू ने बताया कि धरने को लेकर सभी जिला इकाई ने अपने जिलों में बैठक आयोजित कर तैयारी पूरी कर ली है। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ ने सोमवार को नेपाल हाउस सचिवालय का घेराव भी किया। कर्मियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया और 9 घंटे तक डटे रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मेन गेट जाम रहने की वजह से अधिकारियों को पिछले गेट से सचिवालय में प्रवेश करना पड़ा। शाम करीब 7 बजे अधिकारियों के आश्वासन के बाद अनुबंध कर्मियों ने घेराव समाप्त किया। कर्मियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ तो मंगलवार को फिर से घेराव किया जाएगा। घेराव को लेकर संघ ने पूर्व में स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन भी सौंप दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।